वैशाली के जिला उपाध्यक्ष अभय राय और महनार प्रखंड अध्यक्ष अरविंद राय के नेतृत्व में भी साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर निकाली गई, जिसमें सैकड़ों राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली के दौरान राजद के जिला उपाध्यक्ष अभय राय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से किसानों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर इसकी उपलब्धता सही से नहीं हो और यह सस्ती नहीं मिले तो किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो जाएगी। केंद्र में बैठी एनडीए सरकार आमजनों को हित को देखते हुए इसके दाम में कमी करनी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम का हवाला देते हुए कहा कि विश्व भर में कच्चे तेल के दाम में काफ़ी कमी आई है, लेकिन भारत में यह दिन प्रतिदिन और महंगा होते जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों का शोषण कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो डीजल पेट्रोल से महंगा कभी नहीं हुआ, जो अब हो गया है। सरकार का कार्यक्रम आज हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार के गरीब विरोधी नीति के खिलाफ और खास करके डीजल और पेट्रोल के दिन प्रतिदिन मूल्य की वृद्धि के खिलाफ आज माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया था। हम लोग आज साइकिल यात्रा करके लोगों को ये संदेश देते हैं कि किस तरह की ये गरीब विरोधी सरकार डीजल और पेट्रोल के दिन प्रतिदिन मूल्य को में बेतहाशा वृद्धि कर रहा है, जिसे इसका असर किसान और मजदूर और व्यापारियों पर खासकर तो पड़ेगा। तो आज हम लोग साइकिल यात्रा करके और इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल का जो बेतहाशा वृद्धि है, इसको मूल्य को वापस लेना पड़ेगा और वापस लेने के खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं।